आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक चार्ट डिस्कस करने वाला हूं। लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे, मीडियम टर्म चार्ट भी देखेंगे और शॉर्ट टर्म चार्ट भी देखेंगे, तो डिटेल में इसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। अब ये जो वीडियो है ये आपने किस तरीके से देखना है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा वीडियो आपने देखना है क्योंकि यहां पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको कुछ जादू की छड़ी नहीं दिखा रहा हूं, क्या है ये जादू किया तो ये ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां पे डिटेल में एनालिसिस करना है, तो डिटेल में जब एनालिसिस करना होता है तो सारी चीजें ठीक तरीके से समझ लेनी होती है और वो समझने के बाद आप एक बढ़िया सा डिसीजन भी ले पाओगे। और अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना हो तो आपने अभी वीडियो बंद कर दिया तो भी चल जाएगा। आपके मन में अब यह आ सकता है कि मंदार भाई तो ऐसा क्यों बोलता है, सिंपल सी बात है, जिस तरीके के कमेंट्स वीडियो को आते हैं यानी उसमें जो सवाल होते हैं क्या या जो कुछ होता है वो उससे पढ़ने से आपको तुरंत समझ में आएगा कि अरे भाई इसने वीडियो देखा ही नहीं। क्योंकि अगर वीडियो देखा होता और सिर्फ देखा नहीं ठीक तरीके से समझ लिया होता तो वो सवाल आता ही नहीं, तो दुख होता है अगर कोई ऐसा करता है तो दुख होता है। सीधी बात है ना, ये जो हम काम कर रहे हैं ये सीधा आपके पैसे से रिलेशन है ना इसका, तो अगर पैसा अगर लगने वाला है तो सीरियसनेस तो होना चाहिए, अरे कम से कम वीडियो देखने का तो सीरियसनेस होना चाहिए। अब जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर्स होते हैं उनको तो डिटेल में एनालिसिस मिलता है, एकदम डिटेल में, मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार दिखाया हुआ है, ऊपर पीछे एनालिसिस में होता है, वैलिडिटी कंफर्मेशन सारी चीजें मैं ही देखता हूं उनके लिए। लेकिन अब आपके लिए जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो ये सारी चीजें होने से पहले होता है वो, तो आपको एनालिसिस आगे लेके जाके वैलिडिटी कंफर्मेशन ये सारी चीजें चेक करनी होती है उस एनालिसिस पे। और आपने वीडियो अगर ठीक तरीके से नहीं देखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि इतना तो कीजिए, और नहीं करना हो तो मत देखिए, वो भी चल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, आपको दुख नहीं होना चाहिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने नहीं देखा मुझे नहीं दुख होगा, चिंता मत करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में आपको अगर सीखना हो एनालिसिस कैसे करते हैं, जो मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग करता हूं वो आपको समझ लेना हो, तो आपके मशीन पे भी ये चार्ट ओपन कीजिए और जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं उस तरीके से आप भी एनालिसिस कीजिए, लर्निंग होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद होगी। मेरा नाम है मंदार जामसांडेकर और आपका स्वागत है इस यूट्यूब सेशन में। मेरे पीछे आपको इंडसइंड बैंक का चार्ट दिखेगा। डिटेल एनालिसिस जब करना होता है तो हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट के साथ शुरुआत करनी होती है, तो इसको मैं मंथली कर देता हूं, यानी एक कैंडल एक महीने की है। अब मंथली से क्यों शुरुआत करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिले, प्राइस ने कौन से लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है, पास्ट में इसका मूवमेंट कैसे रहा है, इसकी आपको सारी जानकारी हो। ये जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको आगे का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से डेवलप होगा ये भी जानने में मदद होती है। तो अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो इसमें से एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपको ये जो 2009 से ये स्टॉक एक बढ़िया से एक अपमूव में था, आपको दिख रहा है एक सीधा सा बड़ा सा एक बढ़िया सा एक अपमूव हुआ, उसके बाद 2018 के बाद ये देखिए कि किस तरीके का एक शार्प फॉल भी इसमें देखने को मिला, तो इसने 2000 का लेवल ये तो छू लिया था और उसके बाद इसने नीचे 200 के करीबन का लेवल भी इसने छू लिया, 2200 है ना, ऊपर में 2000 नीचे में 200 के करीब आके ये इसमें एक अभी जो लेटेस्ट पिछले एक साल से दिख रहा है वो एक बाउंस बैक यहां पे हमें दिख रहा है पिछले एक साल से।
ये थोड़ा सा चार्ट में जूम कर लेता हूं ताकि आपको ये ठीक तरीके से दिख जाए। ये देखिए ये मंथली चार्ट है ना, ये आपको ये जो लेटेस्ट वाला जो है अप मूव, ये यहां पे आपको दिख जाएगा, है ना, बढ़िया सा अप मूव। अब इसमें भी ये 200 से 1100 तक बढ़ गया, यानी कितना, 5 times, है ना, 5 times बढ़ गया। और बढ़ने के बाद अब पिछले 6 महीनों से ये अगर आप यहां पे देखो तो ये क्या कर रहा है, तो एक नैरोइंग कंसोलिडेशन में बना हुआ, इतना तो समझ में आ गया। यानी क्या, तो 2018 से ये बड़ा सा फॉल जो हमें देखने को मिला वो एक बात हो गई, और ये जो फॉल हमें देखने को मिला ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो ट्रेंड चेंज हुआ पिछले 1-1.5 साल से, उसमें 5 times इसमें ग्रोथ भी देखने को मिली, 200 से 1100 तक बढ़ गया 6 महीनों में। ये स्टॉक एक यहां पे एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, और ये कंसोलिडेशन कैसा है, तो एक नैरोइंग कंसोलिडेशन है। ये मंथली चार्ट पे चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये मैं स्टडी डिलीट कर देता हूं और इस चार्ट को अब मैं वीकली कर देता हूं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहा है, तो लॉन्ग टर्म चार्ट एक अपट्रेंड के बाद फिलहाल एक स्टॉक कंसोलिडेशन में है, ये बता रहा है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, तो कंसोलिडेशन, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया आपको, कंसोलिडेशन ये पीरियड बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहां पे ऊपर वाले यानी बुलिश कैंडल्स भी मिलती हैं, बेरिश भी मिलती है, यानी बुलिश प्राइस भी दिखता है, बेरिश भी दिख जाता है, और स्टॉक कहीं नहीं जाता, वहीं के वहीं रहता है। तो ये एक बहुत टेस्टिंग पीरियड होता है, तो इसलिए कंसोलिडेशन में एक लो प्रोफाइल होल्ड करना सबसे बेहतर होता है। और उसके ऊपर जाके अगर मैं आपको सवाल करूं कि क्या ये स्टॉक इसी कंसोलिडेशन में बना रहेगा फॉर लाइफ, तो उसका जवाब रहेगा नहीं, स्टॉक ने निकलना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब ये कंसोलिडेशन में से निकलेगा तब। सही बात है, अब कंसोलिडेशन से निकलेगा तब इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो फिर ये स्टॉक क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये स्टॉक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेशन है, यानी अगर लेवल्स इस चार्ट पे हमें प्लॉट करनी हो तो अब क्या करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो कंसोलिडेशन है, इसका जो रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, यहां पे मैंने प्लॉट कर दी, ये देखिए 1120 का ये लेवल है, आप भी प्लॉट कीजिए आपके मशीन पे। और नीचे में जो सपोर्ट बनता है इस कंसोलिडेशन का, वो 811 के लेवल पे। अब बड़ा रेंज है ना, रेंज आप और मैं तो नहीं बना पाते हैं, प्राइस बनाता है। हमने क्या करना है, तो हमने तो वो देखना है, एनालाइज करना है और उसे पहचान लेना है, यही कर सकते हैं हम, ठीक है। ये मंथली चार्ट पे बन गया। अब इसमें अगर लॉन्ग ट्रेड बनना हो, यानी मुझे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या फ्रेश पोजिशन बनानी है, तो वो कब बनेगी, जब ये रेंज जो है ये रेंज ब्रेक करके ऊपर चलेगा, तब इसमें इन्विटेशन बनेगा, है कि नहीं। और सिर्फ ब्रेक करके ऊपर चलता है इसलिए इनविटेशन बनता है क्या, नहीं, आपने वैलिडिटी देखनी, क्या सही में वैलिड ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, वैलिड इनविटेशन बना है कि नहीं बना है, समझ में आ गया। और मंथली चार्ट है, यानी क्या, तो मंथली चार्ट पे फिर से कंफर्मेशन लेना है, समझ में आ गया। ये सारी चीजें देखने के बाद वो इन्विटेशन बनता है, लेकिन जब कब ये इन्विटेशन बनेगा उसके बाद अगर आप ये चार्ट देखो, तो आपको यहां पे रेजिस्टेंस कहां पे दिख रहा है, यानी ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ चलो ये ब्रेक कर दिया और ब्रेकआउट जो था वो भी वैलिड ब्रेकआउट बना, तो इसके बाद बड़ा सा रेजिस्टेंस कहां पे है, तो वो सीधा यहां पे दिखेगा आपको, यानी क्या लेवल है, 1600 का लेवल है ना, बड़ा वैसे। तो इसलिए ये एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आगे जाते हुए, तो ये लेवल्स आपने वॉच करने बहुत जरूरी है। और ये रेंज मंथली चार्ट पे क्या है, तो ये देखिए ये 1120 का ये लेवल है ऊपर में, जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये लेवल आपने वॉच करनी जरूरी है। ये जब कब लेवल ब्रेक करेगा तब वैलिडिटी कंफर्मेशन
सही में वैलिड ब्रेकआउट है कि नहीं ये देखने के बाद इसमें आप पोजीशन बन सकती है। आप अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर हो तो ये सारी चीजें मेरे तरफ से आपको अपडेट मिल जाएगा, ऊपर डिटेल में एनालिसिस भी मिलेगा अगर ये वैलिड हो तो। समझ में आ गया? तो ये 1120 का ऊपर में लेवल है, ये मंथली चार्ट पे हमें यहां तक समझ में आ गया। अब इसको मैं वीकली कर देता हूं, ये देखिए ये वीकली कर दिया, ये हमें लेटेस्ट वाला ही देखना है, पिछले एक साल का चार्ट। ये देखिए आपको दिख रहा है ये क्लियर? हाँ, ये फॉल भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, परफेक्ट। तो यहां पे आपको ये कंसोलिडेशन अब सही तरीके से दिख जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि एक नैरोइंग रेंज में चल रहा है ना, तो यहां पे हम एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं ये छोटे कंसोलिडेशन के लिए। ये देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी मैंने, ये छोटी कंसोलिडेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो 1120 का ही जो लेवल है वो ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्राइस के लिए, ये भी ध्यान में रखिए प्लीज। ये देखिए तो ये रेजिस्टेंस बैंड यहां पे बन जाता है और इंपॉर्टेंट लेवल 1120 का है। तो ये अब मीडियम टर्म चार्ट पे भी हमें, यानी वीकली चार्ट पे भी ये समझ में आ गया। अब इसे करते हैं डेली। ये देखिए ये डेली चार्ट, अब डेली चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। डेली चार्ट ऐसे डेली चार्ट किसके लिए होता है, तो जिसे शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट है, पोजीशन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, या किसी को पोजीशन आज बनानी है और 3-4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद यानी एक महीने के अंदर बाहर निकल जाना है, तो उसके काम का ये डेली चार्ट होता है। अब डेली चार्ट पे यहां पे अगर आप देखो, अब ये देखिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे प्लॉट कर देता हूं, 960 का ये लेवल है नीचे में। डेली चार्ट पे ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड में है फिलहाल, पिछले 3 महीनों से आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो नीचे में 960 का इसमें सपोर्ट बनता है और ऊपर में ये जो लेवल है ये 1050 और 1060 के आसपास वाली ये लेवल है। एग्जैक्ट मैं आपको बोलता हूं, एक ही सेकेंड, ये लेवल प्लॉट कर देता हूं। ये देखिए मैंने ये लेवल प्लॉट कर दी, तो ये रेजिस्टेंस बन गया और नीचे में सपोर्ट बन गया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की है इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यानी कंफ्यूजन कम हो। हाँ ये देखिए अब ये आपको रेंज यहां पे समझ में आ जाएगी। तो नीचे में जो सपोर्ट है इसमें वो ये लेवल से बनता है ना, दिख रहा है ना आपको, मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक यहां तक आया और यहां से ऊपर गया और ऊपर में ये जो लेवल है यहां पे इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो 960 का नीचे वाला लेवल है और ऊपर वाला जो लेवल है वो 1055 से लेके 1067 का लेवल है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यानी आपको ये ठीक तरीके से आपके ध्यान में रह जाए। नीचे में 960 का ये लेवल है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड में इंटरेस्ट हो या स्विंग ट्रेड में इंटरेस्ट हो, तो बेसिकली ये लेवल्स यूज करके आप पोजीशन बना सकते हैं। जब कब ये स्टॉक सपोर्ट लेवल्स के नजदीक आ जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 960 के नीचे होगा और ऊपर में तो यानी समझ लीजिए कि अभी 980 का प्राइस है, तो अगर मैं लॉन्ग पोजीशन इसमें बना लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा। तो 960 का सपोर्ट है इस स्विंग इस ये रेंज का, तो मेरा स्टॉप लॉस 955 का होगा और मैं एक स्विंग ट्रेड बनाऊंगा। ऊपर में कहां पे मैं एग्जिट करूंगा, तो एक चीज पहली बात तो है कि जहां पे भी आप प्रॉफिट से खुश हो वहां पे निकल सकते हैं, या फिर ये प्राइस ये रेंज में ट्रेड कर रहा है तो जब कब ये रेंज के ऊपर वाले रेजिस्टेंस के नजदीक जाएगा, 1055 के नजदीक ये पहुंच जाता है, तो वहां पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कहां पे है, तो सपोर्ट के नीचे है, यानी स्टॉप लॉस कहां पे, 960 के नीचे यानी 955 स्टॉप लॉस। समझ में आ गया, क्लियर है? नो सेकेंड थॉट्स।
नो कुछ गड़बड़, ऐसा कुछ मैंने बोला कि जो कंफ्यूज कर सकता है? हाँ, एक ही चीज हो सकती है, ये वीडियो आपने देखा नहीं है। अगर आपने देखा नहीं हो तो गलती हो ही सकती है, पक्की बात है, होगी। और वो मुझे कैसे समझ में आएगा? आप जो सवाल पूछते हो उससे इमीजिएट समझ में आ जाएगा कि आपने देखा नहीं देखा, समझा नहीं समझा, है कि नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म, सो बेसिकली इंडसइंड बैंक में शॉर्ट टर्म में भी एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है, प्लस लॉन्ग टर्म में जो हमने कंसोलिडेशन देखा, वो कंसोलिडेशन में से जब कब बाहर निकलेगा? फिर से एक बार मैं मंथली चार्ट दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मंथली चार्ट, जब कब ये कंसोलिडेशन, ये जो हमने कंसोलिडेशन यहां पे देखा, इस कंसोलिडेशन से ये स्टॉक जब कब बाहर निकलेगा, तब फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी शॉर्ट टर्म वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी है इसमें, और आगे जाते हुए एक इन्वेस्टर के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन्विटेशन। यानी आपके मन में ये सवाल आएगा, कौन सा स्टॉक मैं बाय करूं, क्या प्राइस में बाय करूं, अब बाय करूं, कल बाय करूं, परसों बाय करूं, है कि नहीं। ये सारे सवालों पे एक ही जवाब है, और वो है जब कब एक स्टॉक इन्विटेशन जनरेट करेगा तब आपने पोजीशन बनानी है। इन्विटेशन नहीं जनरेट करता है तो उसके पास क्यों देखना है भाई? आपके पास टाइम है थोड़ी, आपका टाइम कीमती है ना, तो आपके पास फ्री वाला टाइम तो है नहीं जो देखते बैठे कोई भी भाव। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो आपने टाइम ऐसे स्टॉक्स पे लगाना चाहिए जहां पे इन्विटेशन बनता है, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिए, हर एक स्टॉक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। इन्विटेशन वैलिड है या नहीं ये भी देखना है। इन्वेस्टर अगर आप हो तो मंथली चार्ट पे कंफर्मेशन लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आप हो तो डेली चार्ट पे कंफर्मेशन लेना है, ये भी ध्यान रखना है। सिंपल सिंपल सी चीजें होती है, छोटी छोटी सी चीजें होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एनालिसिस का यूज कीजिए, ये सारे इनपुट्स का यूज कीजिए, और बढ़िया सा डिसीजन आप जरूर ले पाओगे। ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर मुझे लिख के बताइए। आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जामसांडेकर।